गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो क्लास टू के बच्चों के लिए मैथ, इसके पहले तुम लोगों ने एक्सपेंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म और ऐड सब्ट्रैक्ट सब पढ़ लिया था। आज हम उसी का वर्क दे रहे हैं, सबका वर्क दे रहे हैं। आज अभी दो चार दिन हम केवल वर्क ही देंगे तुम लोगों को, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा नंबर जान लो। शायद हम ये नहीं बताए हैं, वन डिजिट नंबर और टू डिजिट नंबर, ठीक है? तो टू डिजिट नंबर हम बता रहे हैं, ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये तुम्हारा क्या हो गया? वन डिजिट नंबर। ये क्या हो गया? ये तुम्हारा क्या हो गया? वन डिजिट नंबर, पहले बता चुके हैं। ये क्या हो गया? वन डिजिट नंबर। टू डिजिट नंबर के लिए हम क्या करेंगे? देखो, जैसे जानते हो, फिर से एक बार देख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सब वन है। 9 के बाद अगर हम 10 करते हैं तो 2 हो जाएगा, यानी कि 1 और 2, 1 और 2। तो यहाँ 0 है तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 10। ये क्या हो जाएगा? 10। तो एक 10 ही है यहाँ पे, ठीक है? उसी तरीका से देखो, यहाँ पे है 1 और 5, तो 5 क्या हो जाएगा? 1 और ये क्या हो जाएगा? 10, यानी कि 1, 10 प्लस 5, 15। ये तुम्हारा टू डिजिट का नंबर हो गया। क्या हो गया? टू डिजिट का नंबर हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये क्या हो गया? वन डिजिट का। ये कौन सा नंबर हो गया? वन डिजिट का नंबर हो गया। कोई पूछेगा वन डिजिट का नंबर का क्या है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक तुम्हारा क्या हो गया? वन डिजिट का। और 10 से तुम्हारा जितना भी होता है जो दो में आए, यानी कि वंस और टेंस में आए, वो टू डिजिट का कहलाता है। वंस और टेंस में जो आता है वो क्या कहलाता है? टू डिजिट में, ठीक है? जैसे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है? तो ये जिसका भी वंस टेंस, यानी कि जिसका भी दो हो जाता है, ये केवल वंस है। तो जब टेंस में, जब वंस और टेंस से बात आता है, वो जो टू डिजिट का हो जाता है, और उसको हम बोलते हैं टू डिजिट नंबर, यानी कि फिर जो भी है तुम्हारा, ठीक है? तो आज हम इसका दे रहे हैं, कुछ बनाओ तो इसको लिखो। आज केवल वर्क ही दे रहे हैं, अपने कॉपी में उतारते जाओ। इसको एक बार फिर से समझ लो, ये है तुम्हारा टेंस और ये है तुम्हारा वंस। ठीक है, ये टेंस है, ये तुम्हारा क्या है? टेंस। तो यहाँ 3 और ये है 2, तो ये 3 क्या हो गया तुम्हारा? 3 क्या हो गया? ये 30 हो जाएगा। 30 प्लस 2 बराबर 32, ठीक है? ये हो गया तुम्हारा टू डिजिट का नंबर। राइट इन शॉर्ट फॉर्म, राइट इन शॉर्ट फॉर्म, ठीक है?
यहाँ कुछ टू डिजिट को हम एक्सपेंड करके दे रहे हैं, उसको तुमको शॉर्ट में लिखना है, ठीक है? ठीक है, इसको तुमको शॉर्ट में लिखना है। तो यहाँ देखो 30 है, 30 यानी कि 3 टेंस, 30 का मतलब क्या हो गया, 3 टेंस, 3 टेंस और 5 वंस, 5 वंस 35, 3 टेंस यानी कि 30, 3 टेंस तुम्हारा 30 हो गया, और उसके बाद हम 5 को ऐड करेंगे 35, ये शॉर्ट हो गया तुम्हारा। ये क्या हो गया, ये है तुम्हारा लॉन्ग और ये है तुम्हारा शॉर्ट, तुमको ऐसे लिखना है, ठीक है? 33 यानी कि जो 30 है वो 3 रह रहा है, क्योंकि 3 जो है यहाँ जो देख रहे हो ना, ये वंस में है और ये टेंस में है, इसलिए 30 है। ये जो है टेंस में है इसलिए 30 है, 30 प्लस 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 प्लस 6 है, तो यानी कि क्या करोगे यहाँ पे, 5 10, तो हम 10 ना लिखे क्यों लिखेंगे, 5 और 6 56, यानी कि ये हो गया टेंस, ये हो गया वंस और ये हो गया टेंस, 5 टेंस 50 और 6 56, ठीक है? इसको उतार लो, अब यहां दे रहे हैं राइट इन, राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको लिखना है, ठीक है? एक्सपेंडेड फॉर्म में जैसे उसका उल्टा लिखना है, जैसे 5 3 5 3, तो यहाँ तुम्हारा क्या हो गया, ये क्या हो गया, 5 टेंस 50 प्लस 3, ठीक है? ये 3 का हो गया वंस हो गया, ये टेंस है और ये वंस है, ये क्या है 10 और ये क्या है वंस, इसलिए लिखे हैं हम 5 टेंस तो 50 और 3 वंस तो 3, ठीक है? 53, ठीक है? इसको भी लिखो, आज केवल वर्क दे रहे हैं कि तुम लोग बना पा रहे हो, पिछले पढ़ चुके हो और तुम लोग को बनाना है। पिछले वाला जो अभी इसके पहले जो था वो शॉर्ट फॉर्म था और ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, देखो ऊपर लिखा हुआ है राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है?
फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक कुछ ऐसा भी बनाना है। पहला एक तो पहले समझ लो, यहां टू है तो टू टेंस है, यहां क्या लिखोगे टू टेंस, और वंस कितना है वन, ठीक है एक है यहां पे, ठीक है तो ये कितना हो जाएगा 21, टू वन 21, 21 किस लिए कि ये 20 हो गया तुम्हारा और ये हो गया वन, तो 20 प्लस वन 21, 20 प्लस 1 क्या हो जाएगा तुम्हारा इक्वल 21, ठीक है। टेंस है ये वंस है, टेंस वंस, तो टेंस में 2 है इसलिए 2 टेंस 20 हो जाएगा, 2 टेंस क्या हो जाएगा 20, यानी कि 2 10 का नोट क्या हो जाएगा 20 20 और ये 1 21 यानी कि 21, ठीक है इसको समझ लिए सबको। इसी तरीके से हम दे रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये देख रहे हो टेंस वंस, टेंस में कितना है तुम्हारा 3, तो 3 टेंस और 2 वंस, इसके पहले हम समझा चुके हैं, इसको भी बना के लाना। तो आज बस इतना ही।